जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज वापस से आ चुका हूँ उसी लोकेशन पे आप सभी के सजेशन से। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी है उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट। मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ अपने फ्यूचर में या अपनी जिंदगी में जो वो शामिल करना चाहते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, यही हमारी कामना है और यही हमारी महादेव जी से प्रार्थना है। और मेरे साथ आनंद भाई है जो हमेशा से पॉजिटिव पावर बन के रहते हैं मेरी। आनंद भाई आ जाओ अभी। वो लाइटिंग जो है ना आनंद भाई, वो चेक कर लेना क्योंकि लाइटिंग का इशू आ रहा है अभी कंटिन्यू। और मैंने लास्ट टाइम की तरह हर बार बोलता हूँ कि लास्ट टाइम की जैसे है ना फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि हम सारी चीजें एकदम से मेंटेन कर लें। हमारा ये रहता है कि हम काम कर रहे हैं, काम के साथ में जितना मेहनत से हम अचीव कर सकते हैं वो सारी चीजें अचीव करने की कोशिश करेंगे। इस लोकेशन पे वापस आया हूँ। इस लोकेशन की घटना जो है वो आप सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार वापस से कह देता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की के साथ में दुराचार हुआ है जो कि अपनी जिंदगी में वो सारे शौक करती थी या वो सारी चीजें करती थी जो लिमिटेड होती थी या जिनसे थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर किया जाए या फिर बोल सकते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के जितने पल होते हैं वो सारी चीजें करती थी, और इसमें गलत कुछ भी नहीं करती थी। जो चीजें लिमिट में रह करके की जाए वो अच्छा है, और किसी भी हद तक उसको बुरा नहीं कह सकते। एक बात अगर सीधी कहूँ तो इस लोकेशन पे मैंने लास्ट टाइम जब आया था मैंने कहा था कि आप लोगों के सजेशन चाहिए मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे और कैसे इस लोकेशन को मैं एक वे दे सकता हूँ कि हम यहाँ से उस बहन को छुटकारा दिला सके या फिर उस बहन को यहाँ से मुक्ति दिला सके या फिर उस प्रेत योनि से उसे मुक्त कर सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आज मेरे पास है इस हाथ में गंगा जल और इस हाथ में कटोरी है जो कि पानी पीने के काम में आती है, और अमूमन हम भी लगभग ये काम में लेते हैं, वैसे ग्लास वगैरह काम में लेते हैं लेकिन कई बार हम इन सारी चीजों का उपयोग भी करते हैं जो कि सही रहती है, इतना ज्यादा कुछ गलत नहीं है इसमें। तो हमारा मकसद यहाँ पे आज ये रहेगा कि उस बहन से ये जानने की इच्छा करेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहती है और यहाँ हमसे। तो ये जो चीज है यहाँ पे हम इस पानी की बोतल के साथ में ये करने वाले हैं, और ये जो चीज है ये कुछ भी गलत नहीं रहेगी। और कोई आवाज है ही यार, आवाज किस चीज की? आवाज तो ही यार सूर्या भैया, हाँ आवाज थी लेकिन पता नहीं किस चीज की थी। तो मतलब आज मेरे हाथ में पवित्र गंगा जल है और ये अभिमंत्रित है, ये चीज भी मैं प्रूव कर दूंगा कि अभिमंत्रित कैसे है, क्योंकि इसका ना थोड़ी सी देर में ना कलर चेंज हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये अभी किस कंडीशन में नजर आ रहा है, प्योर व्हाइट नजर आ रहा है क्या? नहीं प्योर व्हाइट नजर आ रहा है अभी? नहीं नहीं, ये देखो अजीब सा आ रहा है यार, अजीब सा आ रहा है ना, थोड़ा सा मतलब जैसे गंदा होता है ना पानी वैसा है। और अभी थोड़ी सी देर में ये प्रूव हो जाएगा कि ये अभिमंत्रित है। और ये हम यहाँ क्यों लेकर के आए, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है जो पानी पीने वाला है, ये एक रूह है जिसे हम कोशिश कर रहे हैं अगर वो जल ग्रहण करती है तो। यहाँ पे जिस लड़की के साथ में दुराचार हुआ उसकी रूह काफी टाइम से यही कैद है या फिर यही भटक रही है, ये कह सकते हैं हम हमारी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है या जितनी आपके सजेशंस होते हैं वो सारी चीजों पे हम अमल करके उस पर काम कर रहे हैं बस। सूर्य भाई, हाँ भाई, यार उधर से कुछ नजर आया है मेरे को रूम में, कहाँ पे? सीधे में यहाँ पे, हाँ एक झलक लगी थी मेरे को, निकल के गया सब कुछ। सच में? हाँ यार, उसका कलर बदलना स्टार्ट हो गया है। आजा
कहाँ की बात कर रहे हो आप? यहाँ की ये सामने ना, ये गेट है ना जो सामने वाला, हाँ ये, हाँ मुझे कुछ नजर आया था। काटे है यार, उस तरफ से चलना पड़ेगा। बहुत ही इस रास्ते से घर से आ रही और इसके साथ में एक और चीज है जो आप लोगों ने बोला था पहले, कैमरा कर लो अंदर उधर। इधर ही आया था तेरी कसम, किधर? यहाँ पे वहां नजर आया था मेरे को, उस जगह पे। हाँ अच्छा यहाँ पे हम जो करने हैं वो चीज करेंगे और वो किसी गलत इंटेंशन की नहीं है। अनमे कलर आप देख सकते हो पानी का धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बदलता सा जा रहा है। ये अभिमंत्रित है, कोई मजाक नहीं या किसी तरह का कोई छल नहीं है, ना किसी चीज का उपयोग किया गया है। गंगा जल था गुरुदेव के पास से, इसे अभिमंत्रित करवा के फिर लेके आए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इस जल को पीने वाला कोई इंसान नहीं है, वो एक रूह है जो यहां तड़प रही है, और उसकी तड़पती रूह को अगर हमारी वजह से थोड़ी सी शांति मिल सकती है। भाई आवाज आई, आवाज आई पीछे से? नहीं यार, पीछे तो कोई भी नहीं है यार, ऐसा अभी तक इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है जिसपे हम उस रूह की इच्छा जान सकते हैं, वो भी कुछ साधारण नहीं है। दोनों उपाय हम करेंगे लेकिन आज एक उपाय का सीधा सीधा रिजल्ट मिल सकता है हमें, और दूसरे उपाय के लिए हमें इंतजार करना होगा कम से कम 24 घंटे का। तो दूसरा उपाय उसका रिजल्ट हमें 24 घंटे बाद मिलेगा, 24 या 48 घंटे बाद में जब भी हम यहाँ आएंगे तब मिलेगा हमें। तो आज ये चीज करते हैं सबसे पहले, और हम चाहते हैं कि हमारी वजह से यहाँ जो रूह है जो यहाँ बसी है उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, ना हमारी बातों से ना हमारे यहाँ आने से बार बार, क्योंकि हम ना उसे एक बहन की तरह मानते हैं, और वो जो बहन है वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी, पर कुछ लोगों की जानवरों जैसी हरकत या कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ हवस का शिकार बन करके एक ही नहीं बहुत सारी बहनें ऐसे अपने फ्यूचर को खो देती है। कुत्ते निकल गए नहीं यार, पीछे भागा, पता नहीं यार, जानवर ही था यार, जानवर ही थे यार, दो थे, कुत्ता तो नहीं था कहीं, पीछे वाला कुत्ता था, आगे पता नहीं कौन था। अच्छा जानवर ही था यार कुछ। हम ना मतलब किसी और दूसरी जगह नहीं, हम एक जगह करते हैं, एक जगह को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रखते हैं वो बर्तन, और जो थोड़ी बहुत हमें कुछ आता है वो चीज रखते हैं। ईट रख देना, ईट पड़ी है देख। नहीं ये मेरे से करना हूँ, अपने हाथ से एक बार पहले इसको दिखा दो आप एक बार पूरी तरह से साफ कर लीजिए। कुछ भी चेंज हो गया यार, बिल्कुल हो गया ना। चलो
इसको डालते हैं इसमें, इसको रखते हैं यहाँ पे। दिखा दो पास से, फिर थोड़ा पीछे चलता है यहाँ से। अगर मेरी बहन वो यहाँ पे है तो हम आपके लिए पानी लेकर के आए, जल। अगर आप इसे स्वीकार करें तो हमारी खुशनसीबी होगी, और एक प्रयास जो हम एक अपनेपन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं वहां पे, अगर ये चीज हो सकती है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, आप अगर इसे स्वीकार करते हैं, तो हमारी खुशनसीबी के अलावा हमारी तकदीर में ये चीज पहली बार, या हमारी जिंदगी में ये चीज पहली बार होने वाली है अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो। चाहूंगा कि आप यहाँ इसे आकर के स्वीकार करें और अपनी दुख तकलीफों को हमारे साथ में बांटे, जिसकी वजह से हम और भी कुछ अगर यहाँ से है तो वो आपके लिए कर सके, और आपकी जिंदगी में जितनी परेशानियां आपने सही है, या मौत के बाद में जितनी आपने तड़प देखी है, तो सारी तड़प कहीं ना कहीं दूर हो सके, हम इसकी कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे महाकाल से, हमारे देवताओं से, जो आपको इस प्रेत योनि से या इस प्रेत योनि में होने वाली इतनी परेशानियों से छुटकारा दे, मुक्ति दे। क्या मैं इधर ही रखता हूँ? आ जाओ आनंद भाई, पीछे आ जाओ। हमने जो हमारी तरफ से करना था हमने वो किया है, और हमारी कोशिश थी एक कि हम कुछ कर सके जिसकी वजह से यहाँ पे शांति हो और उस रूह को यहाँ से निजात मिले। हम ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं, और जो आप लोग देख रहे हैं उनको भी दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने अपने सजेशंस दिए जिसकी वजह से हम यहाँ कुछ कर पा रहे हैं। देखो तो थोड़ी बहुत कुछ राय आप लोगों की वजह से मिलती है, और थोड़ी कुछ हम हमारी तरफ से एफर्ट देते हैं, और जो थोड़ा सा बहुत कुछ बचता है या बाकी जितना बचता है वो हमारे गुरुदेव से हम सलाह लेकर के करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक लोकेशन पे या जिस लोकेशन पे एक अपनापन सा या अपनापन जहाँ होता है वहां हम ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। आनंद भाई क्या यहाँ से चले? अपने उधर की तरफ कर लो कैमरा ताकि चलो आप चलो पहले यार। अंदर चलेंगे, अंदर नहीं चलेंगे, फर्नीचर में चलो। देखो ना, अंदर नहीं चलेंगे, हम रुकेंगे कुछ देर यहाँ पे, अगर यहाँ ये एक्सेप्ट कर लेते हैं देन उसके बाद में हम
आगे जो करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सी या छोटी सी बात है जो यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। बस ये आम इंसानों की जिंदगी होती है तो शायद बहुत ज्यादा सिंपल या बहुत ऐसे वे में चला जाता है कि हाँ ठीक है, आए मेहमान, पानी पिलाया और हो गया। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें काम नहीं करती है। आपका अपनापन और एक रूह का अपनापन, ये दोनों चीजें कनेक्ट होगी तभी ये जो हम करना है ये काम ये सिद्ध हो पाएगा। तो देखते हैं ये होता है नहीं होता है, इंतजार करते हैं। तो क्या करें, बाहर चले हम तो चले या पीछे चलते हैं, यही सही है ना। यहाँ यहाँ रुकने से चीजें हो सकता है कि गलत असर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये साधारण जल नहीं है, बेमंत्रित है, जो हम भी ग्रहण नहीं कर सकते इतना आसानी से। मंत्र शक्तियों से सिद्ध किया हुआ तो जल होता है, उसे अगर कोई आम इंसान ग्रहण करने की कोशिश करे तो उसकी लाइफ में जो बदलाव होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कई बार नेगेटिव भी, क्योंकि ये चीजें उन रूहों के लिए की गई है जो कि तड़पती है। चलो इसे चलते, आप चलो चलो आप चलो चलो। ओए सूर्य भाई वापस आ, वापस आ। देख देख यहीं पे थी यार, अभी सामने थी यार, एक सेकंड लगा था यार। सामने थी यार, क्या करे, सामने थी यार कुछ देर, इंतजार नहीं कर सकते अब, चल। क्या हुआ? यार तो चलक रही है यार बाट की, यार एक चम 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 कर रही है सोच एकदम नहीं तो। क्या भाई साहब सो गए बिल्कुल? डाले इसमें और डाले वो डाल दो और क्या। लाइटिंग प्रॉब्लम है क्या? डार्क जैसा तो नहीं आ रहा ना कुछ? नहीं नहीं तो आपने से पानी डाल दिया है, अब थोड़ी देर वहां तक चलते हैं फिर वापस लिविंग। हेलो आनंद, आ जाओ आनंद, आ जाओ, क्या हुआ? यार वापस चले आ रही, बार मेरे को गड़बड़ लग रही है कुछ, गड़बड़ है यार कोई। क्या एक बार और चले यार, फिर वापस नहीं घुसेंगे? नहीं नहीं चल तो सही है, कुछ यार अजीब सा हो रहा है ऐसा कुछ, फिर है क्या वो लग रहा है यार कुछ है? चल तो सही है एक बार, सब लग रहा है पीछे से कोई निकल रहा है बार बार, वो आ रहा है। हाँ यार बोले आदि थोड़ा बचा है इस बार पानी, वो पानी है, पानी है इसमें, है पानी
आपका ही कमी है इस तरह। ये कटोरी यही छोड़ दे या ये बचा हुआ जल लेके चले, वापस बोतल में डाल लो। और क्या तुम क्योंकि अभिमंत्रित है इसे गिरा नहीं सकते बिल्कुल। हाँ ये तो बोल रहा हूँ। तूने अभी देखा जब मैं पानी डाल रहा था ना इसमें से धुआं निकला? नहीं यार सच में मेरा दिमाग इस तरफ नहीं था, मैं इस तरफ साइड में देख रहा था। ये तो नहीं अपने को देख तो नहीं रहा है। सच में यार बिल्कुल हल्का सा था, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा। जो हम कहना चाह रहे थे वो सब हो चुका है और अब शायद ज्यादा कुछ बचा नहीं है जिसके लिए हम इंतजार करें। एक और चीज जो हम करना चाहते हैं वो आज आपकी वजह से हम कर पा रहे हैं सारी चीजें, मैं वापस से कह रहा हूँ भाई। आपके पास ना मुद्दा पेपर ये रहा बैग में, निकालना पड़ेगा एक मिनट। निकाल गया भाई। हमारे पास ना एक पेपर है मिलती नहीं ठीक है, इस पे मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, अपना नाम लिखूंगा, आनंद का नाम लिखूंगा। भाई इस पे मैंने जो कुछ लिखा है एक बार आप लोग देख लो, जो कुछ भी मैंने लिखा है वो देख लो एक बार आप, जो कुछ मैंने किया वो भी देख लेना एक बार, क्योंकि हम आने वाले हैं 24 घंटे बाद में, ये पेपर है ये पेपर। अब इस पे हमें क्या मिलता है उसका इंतजार रहेगा, जवाब सवाल क्या है हमारे वो लिख देते सबसे पहले। सवाल क्या है दो चीजें, जो सवाल जो मैंने पूछे हैं, दो सवाल है जो मैंने पूछे हैं, उनका नाम जन्म तिथि, ये दो चीजें मैंने पूछी है और इन दो चीजों का जवाब हमें मिलता है या नहीं वो देखते हैं। ये पेन और ये पेपर पेन और पेपर में यार रख देता हूँ और हम चलते हैं। ओए देख ओए ओए ये यार वो देख अभी तू बोल रहा है ना
या खड़ी तेरी हम सारी बातें सुन रही थी अपनी यार, भगवान की कसम। ये पेन और पेपर रखते हैं, निकल आ यार 24 घंटे बाद, ठीक है? निकल यार सूर्य, मैं तो आते हैं लेकिन इधर से निकल, इधर से वो आनंद भाई। अभी तक तो सब यही, वो देख वो देख, वो रही वो रही कैमरा वही रख। हाँ यार सूर्य भाई किसका जाओ आनंद भाई, ऐसे तो किसका जाओ किसका भाई, और किसका जाओ, कैमरा मत घुमाना। मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ और मेरी बहन से भी बात करना चाहता हूँ। देखो बहन, हमारे जो सवाल थे उनके जवाब आप अगर हमें दे सकते हो तो हम उसकी कामना करेंगे, और निवेदन है आपसे कि प्लीज हमारे सवालों के जवाब दे दीजिएगा ताकि हम इससे आगे जो करना चाहते हैं वो कर पाए, और शायद जिंदगी में हमारे साथ पहली बार होने वाला है ऐसा या नहीं, मे बी मुझे नहीं पता, एक कोशिश हमने की है जानने की क्या इस तरह से हमें जवाब मिलता है कोई या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इससे पहले कुछ चौंका देने वाली बातें थी जो हमारे साथ हुई। मैंने इसमें दो कटोरी जल भरा था, उसमें से एक कटोरी और उसके बाद आधी कटोरी खाली हो चुकी थी, और उसमें कुछ जल बचा था जो अभिमंत्रित था, एक बूंद भी बिना नीचे गिराए इसको वापस इसमें डाल रहा था मैं, तब इसमें से मैंने हल्का सा वाष्प देखा था, धुएं जैसा मैंने कुछ देखा था इसमें। तो ये चीजें आज तक की मेरी लाइफ की बहुत बड़ी चीजें हैं जो मैंने आज की है या आज जो मुझे सामने दिखा है। तो इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे, आते हैं नेक्स्ट टाइम, देखते हैं क्या हमारे सवालों का जवाब मिलेगा हमें या नहीं। जय श्री महाकाल इस बहन के साथ में, और एक इस बहन से और एक आपसे अभी के लिए अलविदा कहता हूँ, वापस मिलता हूँ जल्दी आप सभी की खुशियों के साथ में। जय श्री महाकाल, खुश रहिए और मेरी बहन की सारी परेशानियों से मुक्त हो। जय श्री महाकाल।